दोस्तों कैसे बने राष्ट्रीय जनता दल, क्यों हुई राजद की स्थापना, कौन बने राजद के संस्थापक सदस्य, क्या है आरजेडी का रिश्ता लालू यादव से, आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और चलते हैं 27 साल पहले की राजनीतिक दुनिया में, जब टेलीविजन कुछ बड़े लोगों के घरों की शान हुआ करती थी। हाँ, यह कहानी है साल 1997 की, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि साल 1948 में, जब 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ। लालू यादव के राजनीतिक सफर का शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। यहीं से उन्होंने LLB की पढ़ाई की और यहीं से वे छात्र संघ अध्यक्ष पद पर रहते हुए JP आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान वे जनता पार्टी के नेताओं के नजदीक भी आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 29 साल की उम्र में वे लोकसभा सांसद बन गए। यह घटना उस साल की है जब आपातकाल के चलते कांग्रेस विरोधी लहर चली और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनकर आई। फिर 2 साल बाद ही ये सरकार गिर गई और जनता दल बिखर गया। उसी समय केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। लालू यादव ने भी अपना खेमा चुन लिया और उन्होंने साल 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरकर क्षेत्र राजनीति पर फोकस कर लिया। साल 1985 में लालू जी विधानसभा में नेता विपक्ष बने। दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति ने फिर करवट ली और VP सिंह के नेतृत्व में JP के वक्त के दलों को जुटाकर जनता दल का गठन किया गया। यह साल था 1990 जब बिहार में BJP के सहयोग से जनता दल की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बात ठन गई। केंद्र में BJP के मदद से चल रही जनता दल की सरकार संभाल रहे तत्कालीन PM VP सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास को कुर्सी मिले। इसी समय डिप्टी PM देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। फिर 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। यह घटना सितंबर 1990 की है जब लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद BJP ने लालू यादव के इस एक्शन पर करारा रिएक्शन दिया और केंद्र व बिहार की जनता दल सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद VP सिंह की सरकार गिर गई। इस सियासी घटनाक्रम के पहले लालू यादव पर चारा घोटाला की जांच चल रही थी। यह समय था 1995 जब विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 1997 में जब लालू यादव का नाम चारा घोटाला में आया और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो जनता दल में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। यह दौर था 1996 से 98 का। तब लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें पार्टी की कमान SR बोम्मई का नाम हवाला कांड में आने के बाद मिली। लालू यादव उस दौर में अमूमन कहा करते थे, हवाला ने जनता दल को मेरे हवाले कर दिया। उस दौर में लालू यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और खास बात यह भी थी कि उनकी ही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री थे। राजनीति में इससे सुनहरा समय और क्या हो सकता है। लेकिन इसी दौर में CBI ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की संलिप्तता की CBI जांच की फाइल वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार के दौरान खुली, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का काम SD देवगौड़ा की सरकार के समय किया गया। इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन में कई जगहों पर इसका जिक्र किया है कि देवगौड़ा लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक प्रसंग में लिखा है, मुझे पता चला कि लालू प्रसाद यादव PM निवास पर 2.5 घंटे तक बैठे रहे थे, जब तक कि देवगौड़ा ने CBI डायरेक्टर को वहां नहीं बुलवा लिया। कई राजनीतिक विश्लेषक का यह मानना है कि लालू प्रसाद यादव की नाराजगी की कीमत के चलते ही देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था। चारा घोटाले की जांच को लेकर लालू यादव शरद यादव के साथ कई बार देवगौड़ा से मिल चुके थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हमारा ही प्रधानमंत्री हमारे काम नहीं आ रहा। देवगौड़ा की मुश्किलें
तब भर गई जब कांग्रेस में नरसिम्हा राव की जगह सीताराम केसरी का दौर शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव और सीताराम केसरी की आपस में बहुत बनती थी। लालू जी सार्वजनिक तौर पर उन्हें चाचा केसरी कहते थे। द ब्रदर्स बिहारी में लिखा है, लालू प्रसाद यादव उस दिन सुबह सुबह अपने परिवार के साथ एक आयोजन में अपने गांव निकल गए थे। वापस घर लौटने के बाद जब उन्होंने टीवी खोला तो दिन की सबसे बड़ी खबर पर नजर आते ही वे भड़क गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन करके कहा, क्या हो रहा है ये सब क्या बकवास करवा रहे हैं? एक पीएम को हटाकर आपको बनवाया और आप भी वही काम कर रहे हैं। इस किताब के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने 27 अप्रैल 1997 की उस रात को संयुक्त मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं यानी चंद्रबाबू नायडू, ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्ता और शरद यादव को फोन किया और सबने उनसे यही कहा, अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस घटना का जिक्र इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन में भी किया है। उन्होंने लिखा है, जब लालू जी का फोन आया तो मैंने कहा कि मुझे भी अभी कुछ मिनट पहले ही इसकी जानकारी मिली है। मैं फोन रखता तब तक लालू प्रसाद के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता और उनके वकील कपिल सिब्बल आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल ने लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री बने एक सप्ताह ही हुआ था, ना तो उन्होंने इस घोटाले के बारे में कुछ कभी देखा था और ना ही पदभार संभालने के बाद वे सीबीआई के किसी अधिकारी से मिले थे। लालू प्रसाद यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा था और उनके साथ ही उनका साथ छोड़ते जा रहे थे। आखिर में 17 जून 1997 को बिहार के राज्यपाल एआर किदवई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी। इसके बाद भी लालू प्रसाद यादव ये दोहराते रहे कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उनके इस जिद से संयुक्त मोर्चा सरकार के सामने भी संकट बढ़ रहा था। इस मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों ने इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देने कहे। राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बाद जनता दल के अंदर से भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विरोध की आवाज आने लगी। रामविलास पासवान और शरद यादव ने उनके इस्तीफे की मांग की। इन सब के बीच आखिर में जनता दल के अध्यक्ष पद का चुनाव भी आ गया और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को चुनौती दे दी। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पुस्तक राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में राष्ट्रीय जनता दल के गठन की वजह बताते हुए कहा है, यह घटना जुलाई 1997 की है जब पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर शरद जी ने किन वजहों से आखिरी समय में अध्यक्ष पद की दौड़ में कूदने का फैसला लिया। मैं अपने नेतृत्व में पार्टी को जीत दिला रहा था। बिहार में दूसरी बार सरकार बन गई थी, केंद्र में अपनी ही सरकार थी, उन्हें मेरा साथ देना था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षी पार्टी अध्यक्ष पद पर मुझे हटाकर काबिज होने की हो गई। यहाँ मेरा धैर्य खत्म हो गया और मैंने सोच लिया कि अब काफी हो गया है। इस चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह को निर्वाचन अधिकारी बनाया। शरद यादव इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बना दिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए शरद यादव ने पार्टी की कार्यकारिणी में अपने समर्थकों की संख्या इतनी कर ली थी कि लालू प्रसाद यादव को अंदाजा हो गया था कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार निश्चित है। इसके बाद राजनीति का वह सुनहरा दौर भी आया जब लालू प्रसाद यादव को उनके किस्मत ने साथ दिया। यह घटना 4 जुलाई की है जब पीएम इंद्र कुमार गुजराल ने दिल्ली में अपने आवास पर नेताओं की बैठक बुलाई। लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल हुए। लालू यादव ने कहा कि वे सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे लेकिन उन्हें जनता दल का अध्यक्ष रहने दिया जाए। सीबीआई की गिरफ्त में लालू जी घिर चुके थे, लिहाजा उनकी एक नहीं सुनी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन 5 जुलाई को लालू यादव ने अपनी एक अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बना ली। इसके बाद लालू यादव ने एक और दांव खेलते हुए 25 जुलाई को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। इस तरह लालू यादव ने अपनी एक अलग पार्टी भी खड़ी कर ली और सत्ता भी बचा ली।
नई पार्टी के गठन के बाद पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव से मीडिया ने पहला सवाल यही पूछा था कि क्या आपकी पार्टी नेशनल पार्टी होगी। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यह पार्टी ओरिजिनल पार्टी होगी। लालू यादव ने अपने दम पर 1997 में जिस राजद को खड़ा किया था उसने अगले ही विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया। उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा था और वहां 324 विधानसभा सीट हुआ करती थी। साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 324 में 124 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं लालू यादव ने 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री बन गए। वर्तमान में लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है पशुपालन स्कैम। आएगा दूध का दूध पानी का पानी जैसे सारे बैठे हुए लोग। अब बचा कौन है इस मुल्क में, कौन बेदाग बैठा है? दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।